हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विवेक मिश्रा टेक मिड एयर। हम लोग जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं, बहुत टाइम बाद डिस्कस करेंगे और बहुत ही गजब की मोनोपोली कंपनी है अपने इंडिया की, एक कह लीजिए एक तरीके से बहुत ही बेस्ट कंपनी है जिसमें इन्वेस्टमेंट करना मैं नहीं समझता कभी आपके लिए गलत होगा। हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेयर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड पे, मतलब HAL पे बात करेंगे। मोनोपोली कंपनी है, काफी अच्छा शेयर है और कंडीशन वाइज भी काफी बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। लास्ट 5 डेज में इसने 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और लास्ट टाइम जब मैंने आपको रिकमेंड किया था तब से अब का देखा जाए तो आपको 75% से ज़्यादा का रिटर्न कंपनी ने प्रोवाइड कर दिया है। तो अभी करंटली कैसी परफॉर्मेंस चल रही है, कैसी कंडीशन है, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, वो सब तो देखिए मैं यहीं पे क्लियर कर दूं, इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल करना चाहिए। कंपनी का अच्छा डिविडेंड पे आउट है, अच्छा रिटर्न है, बस यही होता है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना। और आपको अगर इसमें स्प्लिट फ्यूचर में मिलता है तो वो भी आएगा, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। चलिए वीडियो पे जो नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जो प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप लेने के लिए और उसके काफी सारे बेनिफिट का फायदा भी उठाने के लिए। चलिए HAL पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए ट्रेस 1381 रुपीज के अराउंड शेयर ट्रेड कर रहा है, काफी तगड़ी परफॉर्मेंस रही है, मजा आ गया कसम से। बहुत टाइम से इंतजार था, मैंने देखिए लास्ट टाइम पे भी जब 700 के अराउंड आके टिक गया था तो मैं भी तब भी मैं यही बताया था कि कब ऊपर जाएगा, काफी टाइम से इंतजार था क्योंकि अब से शेयर नहीं खरीद रखा है, बहुत टाइम से शेयर है और काफी अच्छी कंडीशन है और परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छा है। तो इसीलिए मैंने जैसे ही YouTube पे उस टाइम पे मैं नया नया वीडियो अपलोड करना शुरू किया था तो मैंने आप लोगों को तभी रिकमेंड किया था कि HAL पे पक्का आपको बाई करना चाहिए क्योंकि मोनोपोली शेयर है, अच्छा परफॉर्म करता है। तो अभी कैसी करंटली कंडीशन है उस पर बात करते हैं। देखिए ड्रेस इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी से आ जाता है, एरो स्पेस और डिफेंस पे काम करती है कंपनी। 1381 मतलब अभी करंटली प्राइस चल रहा है। दिसंबर 1 को आने हैं इसके अर्निंग के नंबर। अर्निंग पर शेयर आप देखिए 98.25, अच्छी खासी मार्केट कैपिटल, अच्छा खासा। यहाँ पे मेंशन नहीं है डिविडेंड येट, तो इसे ऐसा नहीं है कि 0% है। प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो भी बहुत बेहतरीन आ जाता है। डिविडेंड पे आउट अच्छा है, डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है। अभी लास्ट टाइम मार्च के टाइम पे दिया था कंपनी ने और कितने का दिया था, 15 रुपए का दिया था। तो इस तरीके से इसकी कंडीशन रहती है, अच्छा खासा शेयर है। इसीलिए जो फ्रेश बाई करना चाहते हैं उनके लिए भी रिकमेंडेशन रहेगी। फिलहाल आपको जो रैली दिखी है वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि काफी सारा गन का आना बाकी है, रसिया से काफी सारी डील हो रखी है तो उसकी वजह से जो ग्रोथ है कंपनियों की वो भी काफी बेहतर है। और इसकी खुद की टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन जो है नॉटिकल और डिफेंस पे काम करती है कंपनियां, बहुत तगड़ा उस में कर रही है। मैं इसके हेडक्वार्टर पे भी विजिट करने गया था क्योंकि बैंगलोर में अभी बीच में मैं कुछ टाइम पहले गया था तो वहां पे मैंने इसके हेडक्वार्टर पे भी गया था क्योंकि मेरे पास कार्ड है, मेरे फादर जो है वो आर्मी से बिलोंग करते हैं इसलिए हमारे पास कार्ड है। तो इसकी वजह से कंडीशन वाइज बहुत स्ट्रांग कंपनी है और आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कंपनी में कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कोई नुकसान रहता है, कंडीशन वाइज भी अच्छा है। एवरेज वैल्यूम 10 डेज का बात करें ट्रेस तो 1.5 मिलियन आ जाता है। हाई लो का आप डिफरेंस देख सकते हैं, 658 से 1399 रुपीज इसका हाईएस्ट है, तो काफी तगड़ा परफॉर्म। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो 1 लाख से अब इसको होल्ड करके चल रहे हैं 1,37,000 और जीरोधा पे मैंने डाटा देखा था वहां पे 2 लाख भी अब दिखा रहा है। तो इस हिसाब से शेयर होल्डिंग है, काफी अच्छी मात्रा में इसकी कंडीशन है। अभी नंबर जो आए थे हाल फिलहाल के वो भी बहुत बेहतरीन है, तो नंबर ही डिस्कस कर लेते हैं अभी हम लोग यहाँ पे क्विक। देखिए मार्केट कैपिटल अच्छी खासी है, बुक वैल्यू ठीक ठाक है, बुक वैल्यू से अब ट्रेड कर रहा है, हाई लो का आपको डिफरेंस दिख जाता है, लास्ट टाइम 2.17 का डिविडेंड था, फेस वैल्यू 10 है तो अभी तक एक बार भी शेयर स्प्लिट नहीं हुआ है, पिछले 12 महीने में प्रॉफिट ग्रोथ सेल ग्रोथ दोनों ही बहुत बेहतरीन है। हाईएस्ट प्राइस 1424 रुपीज तक गया है, प्रमोटर्स की होल्डिंग शानदार है, आरओई बेहतर है। इस बार के जो मार्च के नंबर जून के नंबर थे वो ढीले थे मार्च से, पर ऐसा नहीं है कि नंबर खराब थे, नंबर फिर भी अच्छे हैं। कैसे देखिए आप प्रो कॉन्स में देख सकते हैं, कंपनी डेट फ्री है, हेल्थी डिविडेंड पे आउट है, डेप्ट डेज पहले से बेहतर हुए हैं, बस सेल ग्रोथ जो रही है लास्ट 5 ईयर से वो 5 ईयर का कम हुआ था, पर अब आप पिछले 12 महीने की देख सकते हैं वहां पे भी नंबर बेहतर है। तो इस हिसाब से कंडीशन बहुत अच्छी चल रही है कंपनी की और क्यों ना चले, है भी अपनी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कह लीजिए एक तरीके से। इस बार की सेल देखेंगे मार्च से ट्रेस कम हुई थी, इसीलिए आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो था 240 करोड़ का ही हुआ, कोई ऐसी बहुत बड़ी डील्स नहीं लगी तो उसकी वजह से। पर मार्च में आप देख सकते हैं नंबर बहुत तगड़े थे
और फिर भी कंपनी का प्रॉफिट जो था 195 करोड़ का हुआ। तो कंडीशन वाइज कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट लॉस बुक पे नजर डाल सकते हैं आप, बहुत स्ट्रांग बहुत अच्छा परफॉर्म है। सेल ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR, रिटर्न ऑन इक्विटी, तीनों के नंबर आपको मेंशन है। रिटर्न ऑन इक्विटी पे मैं बताऊं आपको ट्रेस, तो 5 ईयर से आप देख सकते हैं 22%, 3 ईयर का 22%, लास्ट ईयर का 23%, तो अच्छी खासी कंडीशन है और डेप्ट भी नहीं है, बोरोइंग्स भी नहीं है, तो ये बहुत अच्छा आ जाता है। कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग है, रेशियोज बेहतर दिख रहे हैं, कहीं पे दिक्कत नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी काफी स्ट्रांग है कंपनी के, देखिए आप यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए पब्लिक की होल्डिंग नहीं है, क्यों भाई, इतनी अच्छी कंपनी है आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अपने डिफेंस पे तो पक्का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको, इससे आपका भी ग्रोथ है। यहाँ पे देखिए अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने 20% कर रखा है और प्रमोटर्स के पास 75% है, तो इस तरीके से बहुत स्ट्रांग आ जाता है। उसके बाद 3.33% में हमारी भी होल्डिंग है और काफी सारे भाइयों की जो रिटेल इन्वेस्टर आ जाते हैं उनकी होल्डिंग्स आ जाती है, तो कंपनी काफी स्ट्रांग है। देखिए अब इसके चक्कर में बहुत लोग इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं इन कंपनियों में, क्योंकि उनको लगता है इसका प्राइस ज्यादा है। देखिए 1381 रुपीस पे ट्रेड कर रहा है शेयर, आप इसको थोड़ा फ्यूचर तक का सोचिए, डिफेंस के टाइप पे है, मोनोपोलो कंपनी है और बहुत स्ट्रांग बिजनेस है, ऐसा छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, तो इस तरीके से अगर आप इसको सोचेंगे तो काफी अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा और डिविडेंड भी काफी अच्छा कंपनी प्रोवाइड करती है। अभी लास्ट टाइम 15 रुपीस का दिया था, उससे पहले देखिए अभी दिसंबर में भी 15 रुपए का दिया था, तो बहुत बेहतरीन है, इस हिसाब से आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। अब बाय की पोजीशन कहां बन रही है, देखिए फिलहाल काफी टाइम से शेयर देखिए एक तरीके से कंसोलिडेट कर रहा था, एक ही लेवल के अराउंड था, इस लेवल के अराउंड फाइनली इसने ब्रेक किया है, R1 को ब्रेक करते ही शेयर ने डायरेक्ट बहुत स्ट्रांग रैली दिया है। तो मैं अभी आपको जस्ट एकदम ऐसे नहीं कर रहा हूं कि मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि आप करंट लेवल पे ही एंट्री ले लीजिए। देखिए 1176 को ब्रेक करने के बाद डायरेक्ट बहुत तगड़ी रैली लगी है, लगातार स्ट्रांग बाइंग आ रही है, तो आप इसमें जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग आती है, जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं बिल्कुल इसमें जा सकते हैं, काफी अच्छी कंपनी है। फाइनेंशियल कंडीशन को मैंने अपडेट कर दिया, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आपको पता लग गया है कि आपको कैसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और ये मेरे लिए भी डाटा सेफ है, अब मैं इसको भी खुद के लिए एनालिसिस के लिए अब ये मेरे पास भी सेफ रहेगा कि हाँ मैंने इसके ऊपर अपडेट कर लिया है। नेक्स्ट टाइम जब डिस्कस करेंगे कंपनी की और कंडीशन अच्छी हो, यही उम्मीद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट कंपनी साथ नेक्स्ट वीडियो में।